अब मैं उन्हें बुलाने जा रहा हूँ जिनके लिए दिल में बड़ा एहतराम है, इसलिए नहीं क्योंकि वो मुझसे एक साल बड़े हैं, इसलिए क्योंकि वो मेरे सीनियर हैं और अभी इनको फेयरवेल देना है तो बड़ी माथा बच्ची उस बात की। तो इनका एक शेर है जो मैंने हर जगह बेचा है, वो कि जब से तेरे इश्क से पाले पड़े हैं, जब से तेरे इश्क से पाले पड़े हैं, मुझे मेरे जीने के लाले पड़े हैं। और आप तुम तू बोला करती थी, देख रो कैसे गिर रहा है, कि आप तुम तू बोला करती थी, अब क्यों नहीं बोलती, मुंह में छाले पड़े हैं। एक बार जोरदार ताली मृत्युंजय पाटीदार के लिए। आवाज आ रही है? आप सभी इंदौरियों को सबसे पहले तो शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं कि इंदौर नंबर वन आया है और सुरक्षा मंत्रालय सेकंड नंबर पर है स्वच्छता अभियान में। और रोहित भाई का एक बार जोरदार तालियां रोहित भाई के लिए। वैसे एक वर्ड होता है भसड़, आप सभी ने सुना होगा, उसमें कोई मात्रा नहीं होती है, मगर अलग अलग मात्रा में वो भसड़ अलग अलग ओपन माइक्स में देखने को मिलती है। ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए पर ये सही है। और मैं रोहित भाई से वही बात कर रहा था कि यार हमने अपने को मिलके उस चीज़ को हटाना है, जो अपने को इवेंट जो करना है वो अच्छा होना चाहिए। तो ये सब उनकी पहल है और एक बार सही में तालियां अच्छी उनके लिए बजा दीजिए। और गजल लिखी है, एकदम नई नई है। खुदा ने सुखन के फन से भी तकदीर को सजाया है, खुदा ने सुखन के फन से भी तकदीर को जगाया है, इश्क के आंसुओं को जिसकी आंखों ने कमाया है। खुदा ने सुखन के फन से भी तकदीर को जगाया है, इश्क के आंसुओं को जिसकी आंखों ने कमाया है। ये शरीफ ज़ादे कुछ ज़्यादा ही बड़े शिकारी होते हैं, ये शरीफ ज़ादे कुछ ज़्यादा ही बड़े शिकारी होते हैं, कई दफ़ा तो महकते दीवानों को मैंने इनसे बचाया है, कई दफ़ा तो महकते दीवानों को मैंने इनसे बचाया है, और तुमसे पूछे सवालों का खुद ही ने खुद ही को देकर जवाब, तुमसे पूछे सवालों का खुद ही को देकर जवाब, तेरे मेरे बीच के बढ़ते फासलों को बार बार घटाया है। और पहली नज़र हमें देखे से फिर किसी की नज़र ना लगी, पहली नज़र हमें देखे से फिर किसी की नज़र ना लगी, उन्होंने अपनी सुर्ख आँखों में काजल सजाया है। और आखिरी है कि उन्होंने अपनी आँखों में काजल सजाया है, और महकी खुशबू गली गली में न जाने किसकी है, महकी खुशबू गली गली में न जाने किसकी है, ये पता करने हमने उनके पीछे तितलियों को लगाया है। काफ़ी वक्त के बाद मैं खुद को एक ओपन माइक के सामने लेकर आ रहा हूँ, तो कुछ मतलब मैं पुरानी भी सुना दूँ तो भी आपको पता नहीं चलेगा। तो मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि ये नई कविता लिखी है, तो इसे रिलेट करना बस और कुछ नहीं। जो सपने तुम्हें सोने पर आते हैं वो तुम्हारी तकदीर में बहुत पहले ही लिखे जा चुके हैं, जो सपने तुम्हें सोने पर आते हैं वो तुम्हारी तकदीर में बहुत पहले ही लिखे जा चुके हैं। अब ये एक बात अलग है कि तुम आंखें खोलना ही नहीं चाहते हो, घर की शांति में तुम्हारी अच्छी आवाज को तुम्हारे कान भी कई बार अच्छे से सुन चुके हैं, घर की शांति में तुम्हारी अच्छी आवाज को तुम्हारे कान भी कई बार अच्छे से सुन चुके हैं। अब ये एक बात अलग है कि तुम अपनी बात को सिर्फ दीवारों तक ही पहुंचाना चाहते हो, तुम खिड़की से देख रहे हो कि तुम्हारे घर से मंजिल तक का रास्ता बनाया जा चुका है, तुम ये देख रहे हो कि तुम ये खिड़की से देख रहे हो कि तुम्हारे घर से मंजिल तक का रास्ता बनाया जा चुका है। अब ये एक बात अलग है कि तुम घर का दरवाजा ही खोलना नहीं चाहते हो, जो तुम्हें राह में गिरता देखते हैं उनमें से कुछ के हाथ तुम्हारी तरफ मदद के लिए बढ़ाए जा चुके हैं, जो तुम्हें राह में गिरता देखते हैं उनमें से कुछ के हाथ तुम्हारी तरफ मदद के लिए बढ़ाए जा चुके हैं। अब ये एक बात अलग है कि तुम फिर से उठना ही नहीं चाहते हो। और ये आखिरी है, देर सवेर मंजिल पर पहुँच कर तुम्हारा ज़मीर तुम्हारा सिर आसमान को छू चुका है, देर सवेर मंजिल पर पहुँच कर तुम्हारा ज़मीर तुम्हारा सिर आसमान को छू चुका है। अब ये बात एक अलग है कि बावजूद इसके भी तुम अपने पैर ज़मीन पर नहीं रखना चाहते हो। ये आखिरी कविता है,
पीयूष मिश्रा साहब ने एक छोटी सी कविता लिखी थी, मतलब मुझे वो त्रिवेणी ज़्यादा लगती है, उसका नाम है जाम। तो उसमें जो पहली पंक्ति थी वो उससे मेरे को बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा, तो उस पर ही उसको ही मैंने थोड़ा आगे बढ़ाया है। एक चुस्की का सफ़र सोचा था, सब मजे लेना, एक चुस्की का सफ़र सोचा था जाकर 10 हिचकी पर ख़त्म हुआ, एक चुस्की का सफ़र सोचा था जाकर 10 हिचकी पर ख़त्म हुआ, एक सिस्की का सफ़र खोजा था जाकर बस विस्की पीकर खत्म हुआ, एक चुस्की का सफ़र सोचा था जाकर 10 हिचकी पर ख़त्म हुआ, एक सिस्की का सफ़र खोजा था जाकर बस विस्की पीकर ख़त्म हुआ। तेज तर्राट बातों से ऊब कर तमाश बिन आँखों में डूब कर तेज तर्राट बातों से ऊब कर तमाश बिन आँखों में डूब कर फिजा में फेंकती पप्पी से उलझ कर जरूरत के वक्त चुप्पी से सुलझ कर। जितनी गर्म जोशी से हमने इश्क के दिए जलाए थे उतनी नर्म जोशी से उन्होंने फूक मारकर बुझाए थे। तेरी जुल्फों की छाँव का सफ़र सोचा था जाकर बूढ़े शजर पर ख़त्म हुआ, एक चुस्की का सफ़र सोचा था जाकर 10 हिचकी पर ख़त्म हुआ। जिन होठों पर लाली लगाती है उन्हीं होठों से गाली परोस कर खिलाती है, जिन होठों पर लाली लगाती है उन्हीं से गाली परोस कर खिलाती है, अपने सुस्त कदमों के दस्तखत वो तेज चलती राहों में करती जाती है। जितनी जल्दी वो सख्त होती है उतनी ही जल्दी मैं पिघल जाता हूँ, जितनी गर्म चाय वो उकालती है उतनी ही मैं ठंडी चाय पीता हूँ, जितनी जल्दी वो सख्त होती है उतनी ही जल्दी मैं पिघल जाता हूँ, जितनी गर्म चाय वो उकालती है उतनी ही मैं चाय ठंडी करके पीता हूँ। तेरे इकरार का सफ़र सोचा था जाकर तेरे इंतज़ार पर ख़त्म हुआ, एक सिस्की का सफ़र खोजा था जाकर 10 हिचकी पर ख़त्म हुआ। मेरे इरादे तुझे देख मदहोशी में सिमट कर मचलते हैं, तेरे हर्फ दर हर्फ सरगोशी में लिपट कर टहलते हैं, सुर्ख तन्हा रातों के पल किसी मैखाने में आ कटते हैं और बेवफाई के तन किसी पैमाने में आ गिरते हैं। इसमें आगे एक शब्द आता है समुच्चय बोधक, जिसको इंग्लिश में कंजक्शन बोलते हैं, दो अलग अलग इंडिपेंडेंट वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द होता है वो। तो सुनिए फिर से कि मेरे इरादे तुझे देख मदहोशी में सिमट कर मचलते हैं, तेरे हर्फ दर हर्फ मुझसे सरगोशी में आ लिपट कर टहलते हैं, सुर्ख तन्हा रातों के पल किसी मैखाने में आ कटते हैं और बेवफाई के तंज किसी पैमाने में आ गिरते हैं। माना हम दोनों अपने आज़ाद रास्तों के समुच्चय बोधक हो सकते हैं, माना हम दोनों अपने आज़ाद रास्तों के समुच्चय बोधक हो सकते हैं, मगर तुम्हारे साथ चलकर मुझे गति अवरोधक भी बहुत लगते हैं। तो तेरी बाहों में कैद होने का सफ़र सोचा था जाकर तुझसे रिहा होकर ख़त्म हुआ, एक सिस्की एक का सफ़र सोचा था जाकर बस विस्की पीकर ख़त्म हुआ। धन्यवाद सर। वो मैम के लिए लिखा था कि विस्की पे जाके ख़त्म हुआ, सही बात है। घर से हम घर तलक गए होंगे, अपने ही आप तक गए होंगे, हम की जब आदमी हैं पहले कभी जाम होंगे छलक गए होंगे। तो शुक्रिया अंजय सर।